थे तब की, तब मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं जा ही रहा था लेकिन तब मुझे कुछ बैकड्रॉप से बनी हुई चीज दिखी। इसको देख के मैं पहले तो बहुत डर गया, लेकिन मैंने सोचा माइनक्राफ्ट का कोई ग्लिच ही होगा, जाके देखूंगा। फिर मैंने इधर देखा कि इधर एक वुड है और ये तो ग्रास है। फिर मेरे दिमाग में इधर कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने इसको फटाफट तोड़ना स्टार्ट किया। मुझे इधर एक कमांड ब्लॉक और एक चेस्ट मिली। मैं इसको देख के बहुत हैरान हुआ। जब मैंने अंदर देखा तो इसके अंदर तो मैक्स आउट आर्मर की इतनी सारी चीज़ें थी। तो तब मेरे कानों में ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मैं डर चुका था। जब मैंने इस चेस्ट से सारी चीज़ें निकाली तो मुझे ऐसी आवाज़ें आने लगी, आर्मर पहन पहन पहन। मैं ये सोच कर डर गया, इसलिए मैंने आर्मर पहन लिया और मैं चला गया उधर रेड रॉक वाली जगह पे देखने। मेरे कानों में ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिसे सुनकर मैं डर चुका था। वो बार बार कह रही थी बेड रॉक की तरफ जाओ। मैं गया, मुझे एक वुड का टुकड़ा दिखा। मैंने जैसे ही उसको तोड़ा तो मुझे ऐसी चीज़ दिखी जिसको देख के मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने इधर लाइट अप किया टॉर्चेस से और मैं देखा इधर दो कमांड ब्लॉक हैं। मैंने इन्हें दबाया तो इससे कुछ नहीं हुआ। मैंने इसे वापस दबाने की कोशिश की लेकिन फिर भी मैंने इसको तोड़ ही दिया। लेकिन जब मुझे ऐसी आवाज़ें आई कि लीवर लगा, तो मैंने इस पर लीवर लगा दिया। मैंने जब लीवर लगाया तब मुझे और ज़्यादा हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं ये देखकर हैरान और परेशान हो चुका था। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी मुझे अपने आर्मर को देखा और इधर मैक्स लिखा हुआ था। मैंने इस मैक्स को देखा और मैं फटाफट दौड़ने लगा। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं आपको क्या बना बताऊँ। दिल तो मेरा ये कर रहा था कि मैं अपनी चीज़ों को तोड़ दूँ, लेकिन मैंने फिर गोल्डन एप्पल खा लिया और मैं आगे चला गया। इसको देखते ही मेरी स्क्रीन भी उतर चुकी थी। मैंने इसे वापस लगाया और गेम की तरफ बढ़ा। एक आदमी मुझे कहने लगा कि तुम अपने लिए एक ज़ॉम्बी का एग लो और 100 एग से लड़ो। मैं देख के डर गया और मैंने वैसा ही किया। इसको करके मैं इतना ज़्यादा डर गया था और मैंने गलती से जॉगलिंग वाला ले लिया था। वो मुझे डांट रहा था कि ये तुमने क्या किया। मैंने इसे लेते ही फटाफट ज़ॉम्बी का चूज़ कर लिया था। जैसे ही मैंने ज़ॉम्बी चूज़ किया मुझे बहुत बुरी बुरी आवाज़ें आने लगी। इतनी खौफनाक जिसे देख कर एक इंसान डर ही जाएगा। थोड़ी ही देर बाद मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन किए। मुझे आवाज़ें आ रही थी कि तुझे एक सॉर्ड लेनी पड़ेगी। शायद से रोबोट ने मुझे सॉर्ड नहीं दी। मैं बहुत डर चुका था, लेकिन तभी मैं ये बोला, रोबोट तू चाहे जो भी कर ले तू मुझे नहीं हरा सकता। तभी मैं इन ज़ॉम्बी को मारना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे उसकी आवाज़ जल्दी जल्दी आने लगी, स्वॉर्ड ले लो स्वॉर्ड ले लो स्वॉर्ड ले लो स्वॉर्ड ले लो स्वॉर्ड ले लो। मैं ये देखकर डर गया। फिर मैंने सोचा मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे लेनी ही पड़ेगी स्वॉर्ड। मैं फिर स्वॉर्ड लेने के लिए तैयार हो गया था। मैं इन ज़ॉम्बी से लड़ा, इतना लड़ा इतना लड़ा कि वो मर जाएं, लेकिन वो बिना स्वॉर्ड के मर ही नहीं रहे थे। तो मुझे आवाज़ें आने लगी, मैक्स आउट स्वॉर्ड लो। तो मैंने फिर स्वॉर्ड लेने का तरीका देखा। जब मैं बहुत नूब था,
मैंने माइनक्राफ्ट को लिखा कि मुझे एक सॉर्ट दे दो, वो भी नेदरराइट की। मैंने जब नेदरराइट की सॉर्ट लिखने की कोशिश की, ज़ॉम्बीज़ ने मुझे मार दिया, लेकिन मैं जैसे कैसे बच चुका था। इनके बच्चे ये खुद मुझे इतना डैमेज दे रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि मेरा आर्मर ही टूट जाएगा। मैंने फिर सॉर्ड ली और जैसे ही मुझे सॉर्ड आई, मैंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। अभी इन सबको डैमेज हो रहा था और ये धीरे 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 करके मर रहे थे। मुझे आवाज़ आने लगी, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे देखकर मैं डर गया था और मैं इनको मारना स्टार्ट कर दिया। इतनी ही देर में मैंने गोल्डन एप्पल खा लिया। मैं आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और इन्हें मारता रहा। मुझे फिर एडिटर की आवाज़ आई, राफे जी कॉपीराइट से बचने के लिए एक गाना लगा दीजिए। और फिर मैंने कहा ठीक है लगा दो, लेकिन मुझे उस आदमी ने गाना लगाने से भी मना कर दिया था और मुझे क्रिएटिव में जाने के लिए बोला और इंचेंटमेंट लेने के लिए बोली। मैंने इंचेंटमेंट ले ही ली थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख़याल आया, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं था कि अगर अगला राउंड स्केलेटन का हुआ तो वो बहुत आसान है। उस रोबोट को नहीं पता था और उसे लगा था कि मैंने ज़ॉम्बीज़ को तो मार दिया, मैं स्केलेटन्स को नहीं मार पाऊँगा। मैंने ये फजूल चीज़ें निकाल, मैं आगे गया और मैंने अपनी सॉर्ड को मैक्स इंचेंट, मैंने जैसे ही इसको इंचेंट किया, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसकी मुझे आवाज़ें आने लगी कि जल्दी करके नॉक बैक लगाओ। मैंने नॉक बैक लगा तो लिया था, इसलिए मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रीपी हो चुकी थी और मेरी आवाज़ रोबोटिक आ रही थी। मैंने इसको देख के डर गया। थोड़ी ही देर में मेरी आवाज़ रोबोटिक हो ही चुकी थी। मुझे ऐसी आवाज़ें आने लगी कि तुम जल्दी से स्केलेटन 100 ले लो। मैंने कहा स्केलेटन तो बहुत आसान है, मैं 120 ले लेता हूँ। मेरी आवाज़ नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने स्केलेटन स्पॉन किए, लेकिन ये स्केलेटन तो खुद को ही मारने लगे। मेरी आवाज़ बहुत बुरी हो चुकी थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैंने इन स्केलेटन को बहुत कम मारा और ये खुद से ही लड़ने लग गए। थोड़ी ही देर में ये लोग ख़त्म हो रहे थे। मेरी आवाज़ इतनी रोबोटिक हो चुकी थी कि मैं डर चुका था। जैसे ही ये स्केलेटन ख़त्म हो रहे थे, मेरी आवाज़ और बुरी होती जा रही थी। अगर आप मेरी आवाज़ सही हो चुकी थी, ये स्केलेटन बहुत जल्दी मर रहे थे। मुझे नॉट टुडे की एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी। मैं बहुत खुश हो चुका था, मुझे मेरी आवाज़ भी वापस मिल गई और मसला भी सॉल्व हो गया। फिर ये स्केलेटन आपस में ही लड़ने लग गए, तो मैंने इनको एक एक करके छपेट छपेट कर दिया। और गाइस, इस स्केलेटन को तो मैंने एनविल से ही फोड़ दिया। ये टॉर्च पे अटक गया था। इस स्केलेटन को मारते ही मेरा काम पूरा हो गया था और वो रोबोटिक आवाज़ और वो रोबोट भी चला गया था। इस आवाज़ के लिए इतना ही और इस एप्लीकेशन के लिए भी इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे और एक और अच्छी एप्लीकेशन और वीडियो में, तब तक के लिए।